हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैंको डीसीएस टी10 ड्रेस्टन की, जो कि मैच होगा यहां पर एफसी विक्टोरिया बर्लिन वर्सेस बर्लिन सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पीछे रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से कल से केन्या T10 शुरू हो रहा है, उसके मैचेस के वीडियो मिल जाएंगे, MCA T20 के वीडियो मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिशन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करें इस मैच की, तो पहली मैच यहाँ से 12 बजे खेली जाएगी, माफ करें टाइमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ रही, यहाँ से एक ही मैच यहाँ से 12 बजे ये मैच खेली जाएगी। पिच रहेगा यहाँ से रग्बी क्रिकेट ड्रेस्टन, पिच रिपोर्ट यहाँ से न्यूट्रल बैलेंस रहेगी, ज़्यादा स्कोर बनते नहीं है, 80 से 100 रन के आसपास स्कोर बनता है। बाकी पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज है, तो जो भी टीम टॉस जीती है पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। बात करते हैं ऐसे टीम VIK की, तो 6 मैच खेली जहाँ से 3 जीती है, 3 मैच हारी है। ओपनिंग में यहाँ से अखिल गर्जे और जाहिद महमूद दोनों ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया, और बात करें अखिल गर्जे की तो लास्ट मैच के अंदर जबरदस्त गर्जे वो 49 रन की पारी खेली, इससे पहले वो नीचे खेले थे, काफ़ी नीचे खेले थे। इससे पहले ओपनिंग में कौन आ रहा था, ओपनिंग में यहाँ से जमीर हैदर और यहाँ से जीशान शाही दोनों ओपनिंग आ रहे थे, और आई थिंक अगले मैच के अंदर भी ऐसे दोनों ओपनिंग आ सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर ऐसे अखिल गर्जे ने काफ़ी अच्छा किया। ऐसे शुरुआत के मैचेस में भी ऐसे अखिल गर्जे ओपनिंग कर रहे थे, इससे बाद थोड़े से नीचे गए, इसके बाद वापस एक बार ओपनिंग किए, तो एक बार फिर से ऐसे ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, और लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, तो एक बार फिर से हम लोग इनको लेके भी जाएंगे। जाहिद महमूद की बात करो तो पिछले 2 मैच के अंदर उन्होंने ओवर्स नहीं करवाए, लेकिन आगे अभी एक महत्व की मैच है, यहाँ से क्वालिफायर मैच है, तो आगे आपको ओवर्स करते हुए नजर आएंगे, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इवन यहाँ से कैप्टन या वाइस कैप्टन करके जा सकते हो ऐसे जाहिद महमूद को। तलाल खान की बात करो तो लास्ट मैच के अंदर डाउन खेले, इससे पहले काफी नीचे खेले थे, आप देख सकते हैं ऐसे सेकंड लास्ट मैच के अंदर तो उनकी बैटिंग भी नहीं आई थी, तो बैटिंग से इतना कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। हालांकि अभी तक पूरी टूर्नामेंट में सिर्फ 1 विकेट से मिला हुआ है, तो इनको भी आप डिफरेंशियल वे में रिस्की खेलो तो लेके जा सकते हो, स्मॉल लीग के लिए लेके जाना काफी रिस्की रहेगा। जमीर हैदर ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे, एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। अभी तक बंदे ने सारी मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिया है, 2 मैच के अंदर सिर्फ खेल रहे हैं जहां पर इन्होंने 1 और 2 रन किए, बाकी सारी मैच के अंदर आप देख सकते हो 25, 23, 29, 45, 33 जैसे बड़े स्कोर किए हुए, तो जमीर हैदर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। जीशान शाही ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं की, लेकिन एक बार फिर से ही आपको ओवर्स करते हुए नजर आएंगे, और इवन साथ में ऐसे अच्छी खासी बैटिंग भी करवा लेते हैं। हालांकि पहली 2 मैच के अंदर 15-17 जैसे रन किए थे, लेकिन इसके बाद बैटिंग से तो इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन यहाँ से 2 मैच के अंदर लगातार 2 और 3 विकेट निकाले थे, और सेकंड लास्ट मैच के अंदर भी यहाँ से 2 विकेट निकाले थे। तो एज अ प्लेयर हमारे लिए जीशान शाही वेरी इंपॉर्टेंट, इवन थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो इनको आप लोग यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। शहबाज मोहम्मद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले, वैसे हर एक मैच के अंदर 2 ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, कभी कभी विकेट लेस भी रहते हैं, हालांकि ज़्यादातर मैचेस के अंदर यहाँ से विकेट लेस ही रहे, एक मैच के अंदर तो उन्होंने ओवर्स भी नहीं की थी, तो इनको फिर भी एज अ प्लेयर आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। आशिफ सैयद ओके ओके रहेंगे, इनको आपको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रीफर नहीं करूंगा। ऐसे मुनीर हुसैन को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे। अभी शोएब अख्तर की बात करो तो भाई ये यहाँ से हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे हैं। विकेट्स की बात करो तो विकेट्स उनको अभी तक सिर्फ 1 ही मैच के अंदर मिला है, जहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, इसके बाद उनको विकेट्स मिले नहीं। इनको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल वे में इनको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ 1-2 विकेट निकाल लेते तो आपको 1-sided विनिंग करवा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी लीजिएगा क्योंकि इनको लेके जाना रिस्की रहेगा। एहसान लतीफ वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हर एक मैच के अंदर विकेट्स निकाले बंदे ने, लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट्स निकाला, इससे पहले यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, हालांकि अभी तक सिर्फ 2 मैच के अंदर ही विकेट लेस रहा है, तो इनके पर पूरा भरोसा कर सकते हो। ओवरऑल भी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड से 9 मैच के अंदर या से 9 विकेट से 16 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए
तो आगे भी आप लोग इनसे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हो। प्रशांत गोडारा जो कि लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाले 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, तो इनके ऊपर आप भी रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगले मैच के अंदर ये ओवर्स करवा सकते हैं आई थिंक, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर यहाँ से जाहिद महमूद ने भी ओवर नहीं करवाई थी, यहाँ से जीशान शाही ने भी ओवर्स नहीं करवाई थी, तो इसके लिए इनको चांस मिल गया, लेकिन आगे आपको शायद ये ओवर्स करते हुए नजर ना आए, तो डिफरेंस के लिए मैं ट्राई करना चाहूँ तो कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा। बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल अपडेट फाइनल टीम वहीं पर मिलेगी। लेकिन ये भाई साहब अगर खेलते हैं तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, शाहिद अली जो कि 2 ही मैच खेले अभी तक टूर्नामेंट के, जहाँ पर पहले मैच के अंदर 10 रन 3 विकेट, दूसरे मैच के अंदर 21 रन और 2 विकेट निकाले थे, तो इनको आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बात करें ऐसे बर्लिन शीशी की, तो 8 मैच खेली जैसे 4 जीती है 4 हारी है। ओपनिंग में ऐसे निक क्रेगर और सागर कताजा दोनों ओपनिंग करवा रहे हो, और दोनों ही हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन दोनों को ही आप लोग यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर ट्राई कर सकते हो। इवन देखो स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट कैप्टन की चॉइस तो ऐसे निक क्रेगर ही रहेगा, क्योंकि पिछली 3 मैच का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 4 मैच का ही देख लो, यहाँ से 2 विकेट, यहाँ से 34 रन 2 विकेट, यहाँ से 18 रन 5 विकेट और यहाँ से 7 रन 3 विकेट, तो कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट पिक यहाँ से निक क्रेगर रहेगा। यहाँ से सागर कताजा का ऊपर आप पूरा रिस्क ले सकते हो, यहाँ से बंदे ने 51 किए 25 किए, यहाँ से 50 और 34, पिछली 2 मैच के अंदर भी यहाँ से 50 प्लस का एक मैच के अंदर स्कोर किया हुआ, तो यहाँ से सागर कतारिया वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। साहिल लाल पिछले कुछ मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 14 21, यहाँ से 26 21 जैसे स्कोर किए हुए, तो इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, बैटिंग सेक्शन से इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। अनंतरम को लेने का कोई मतलब बनता नहीं, दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन से, जमीर हैदर को लेके जाएंगे तो इनको हम लोग यहाँ से ड्रॉप करके जाएंगे। मनीष तिवारी को आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तो लेके जा सकते हो, क्योंकि बंदे ने पहली 2 मैच के अंदर विकेट निकाली थी, तो हो सकता है अगले मैच के अंदर भी इनसे ओवर्स करवाई जा सकती है, तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो। बाकी वशिष्ठ को ट्राई करिएगा, 42 रन किए थे, यहाँ से 20 रन किए 14 रन किए, बाकी हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, विकेट्स वगैरह चटका रहे, तो इनको आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, हर एक मैच के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अवेश जफर की बात करो तो टीम की कैप्टनशिप करा रहे, हालांकि परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, एक मैच के अंदर यहाँ से 22 रन किए, एक मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, इसके बाद इससे पहले इतने कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तो लेके जाएगा, स्मॉल लीग के लिए बिल्कुल प्रीफर नहीं है। सद्दाम गिल इससे पहले लगातार सारी मैच के अंदर ओपनिंग की है, लास्ट मैच के अंदर उनकी बैटिंग नहीं आई, हो सकता है यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर 1 डाउन भी खेल सकते थे, या फिर 4th नंबर पर भी बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, तो सद्दाम गिल ऊपर से भी आ सकते हैं, 4th नंबर पर भी बैटिंग कर सकते हैं, इवन हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं, लेकिन अगली मैच के अंदर ये ओवर्स करवा सकते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट में मैच में यहां से 2 विकेट निकाली थी, तो इनको एज अ डिफरेंशियल में जरूर ट्राई करेगा। करण सिंह की बात करो तो पहली मैच के अंदर यहां से 2 विकेट निकाली, इसके बाद अभी तक उनको विकेट्स मिले नहीं है, तो इनको तो अभी खास तौर पर लेने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होने वाले हैं। बाकी इमरान बुखारी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हर एक मैच के अंदर लगभग बंदे ने विकेट निकाले, एक ही मैच है जहां पर उनको विकेट नहीं मिले, बाकी हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल तो आ रहा है, तो इनको आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी रेजा को आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्की खेलों को लेके जा सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर बंदे ने 4 विकेट निकाल लिए, तो ये जैसे हवा में तीर हो गया ऐसी बात हो गई, 5 मैच के अंदर 1 ही विकेट थी, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट, इससे पहले सारी मैच के अंदर वो फेल रहे हैं, तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप लोग इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अभी के लिए स्मॉल लीग के लिए मैं प्रीफर नहीं करता। बात करूँ बेंच की तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो जल्दी से जाके आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएंगी। 2 प्लेयर है जिनके ऊपर आपको पूरा रिस्क लेना है, एक ऐसे जॉर्डन बुनियान और ऐसे टॉम लंग, ये दोनों खेलते हैं तो ये दोनों आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए। बाकी अभी के लिए देख लेते हमारी फैंटासी टीम कौन सी रहेगी, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से तो नन अदर बेस्ट चॉइस यहाँ से जमीर हैदर को ही लेके जाएंगे, बाकी और कोई ज़्यादा ऑप्शन अच्छे हैं नहीं, इनको थोड़ा सा रिस्की खेलो तो इनको लेके जाना हो तो जा सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे बुनियान खेलते तो बुनियान को आप लोग जरूर ट्राई करोगे। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे जाहिद महमूद रहेंगे, यहाँ से सागर कतियाजा रहेंगे, यहाँ से ए गर्जे और जैसे एस लाल को मैंने पिक किया हुआ, आप एस लाल की जगह पर किसी बॉलर को लेना चाहो तो भी ले सकते हो, लेकिन आई थिंक अभी के लिए बेस्ट पिक रहेंगे, बाकी और कोई ऑप्शन इतना कोई खास है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे एन क्रेगर, यहाँ से जीशान शाही और जे वशिष्ठ को मैंने लिया है। देखो यहाँ से आप लोग ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, यहाँ से सद्दाम गिल या फिर यहाँ से एस मोहम्मद को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों ही अच्छे पिक हैं। अगर यहाँ से एस अली खेलते हो तो ये तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से इमरान बुखारी, ई लतीफ और यहाँ से शोएब अख्तर को मैंने लिया हुआ है, अख्तर की जगह पर आप लोग गोडारा वगैरह को ट्राई करना चाहो, ऐसे रहेजा को ट्राई करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसी टीम के साथ जाऊँगा। तो टीम कुछ इस तरह से हो सकती है मेरी, कैप्टन मेरे आपके और हम सबके यहाँ से निक क्रेगर
कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टनशिप के तौर पर यहाँ से मैंने जाहिद महमूद को किया है। आप चाहे तो यहाँ पर जीशान शाही को मौका दे सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का, क्योंकि ये भी यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हो। देखो जाहिद महमूद की बात करें तो पिछली दोनों मैच के अंदर ओवर्स तो नहीं करवाए, लेकिन अगली मैच के अंदर ओवर्स करवा सकते हैं, तो उस बेसिस पर हमने उनको वाइस कैप्टनशिप दी हुई है। हालांकि बैटिंग भी अच्छी खासी करवा सकते हैं, तो इनके ऊपर पूरा भरोसा किया हुआ है। बाकी अभी के लिए टीम को जिस तरह से रहेगी, याद रहेगी डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आपको सर्च करना है @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिल जाएगी। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।